नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में देखेंगे हम जीएसटीसी के एग्जाम में आने वाले जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। सबसे पहले वो जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दो, राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश है, किस राजवंश का है? राजा नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार राजवंश का, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीन, मेवाड़ के किस शासक के शासन काल में मालवा के परमार शासक मंजू ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था? तो मेवाड़ के किस शासक के शासन काल में? शक्ति कुमार के शासन काल में मालवा के परमार शासक मंजू ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चार, आमेर के शासक भगवान दास की मृत्यु के बाद मानसिंह का पहली बार राज्याभिषेक किस स्थान पर हुआ था? मानसिंह का पहली बार राज्याभिषेक दोस्तों पटना में हुआ था, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच, जैसलमेर दुर्ग में अर्धशाका किस शासक के शासन काल में हुआ? जैसलमेर दुर्ग में अर्धशाका किस शासक के शासन काल में हुआ था? महारावल लूणकरण के शासन काल में अर्धशाका हुआ था जैसलमेर दुर्ग में दोस्तों, ऑप्शन सी में राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छह, सास बहु का मंदिर स्थित है, सास बहु का मंदिर स्थित है नागदा में, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सात, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कोटा महारावल राम सिंह को विद्रोहियों के चुंगल से किसने मुक्त करवाया था? कोटा के महारावल राम सिंह को विद्रोहियों के चुंगल से किसने मुक्त करवाया था? मदन पाल सिंह ने, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आठ, राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली पहली महिला अजंता देवी चौधरी थी, अंजना देवी चौधरी थी, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नौ, 30 मार्च 1949 को स्थापित वरिष्ठ राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? 30 मार्च 1949 को स्थापित वरिष्ठ राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे, ऑप्शन सी में राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दस, किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक देवता के रूप में की जाती है? किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक देवता के रूप में की जाती है? तेजाजी की, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसने राजस्थान की बहुरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? बहुरूपिया कला को विदेशों में किसने प्रदर्शित किया? जानकी लाल ने, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, जड्डूला एक प्रमुख संस्कार ऐसे कहते हैं? जड्डूला नहीं दोस्तों, इसे जुडला कहते हैं। जुडला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं दोस्तों चूड़ाकर्म, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। जड्डूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं चूड़ाकर्म, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, जल झूलने एकादशी कब मनाई जाती है? जल झूलने एकादशी दोस्तों भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? बीकानेर शैली की, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, देवड़ावाटी किस क्षेत्र की बोली है? देवड़ावाटी सिरोही क्षेत्र की बोली है, ऑप्शन सी में राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान की स्थलीय सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? राजस्थान की स्थलीय सीमा 5 राज्यों को स्पर्श करती है, ऑप्शन सी में राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, गुरु शिखर माउंट आबू की ऊंचाई है? गुरु शिखर माउंट आबू की ऊंचाई 1722 मीटर है, ऑप्शन बी में राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिकांश एवं विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है? पश्चिमी राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी दोस्तों रेतीली मिट्टी है, ऑप्शन सी में राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउंट आबू में, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22,
जमुआ रामगढ़ बांध किस नदी पर है? जमुआ रामगढ़ बांध किस नदी पर है? बाणगंगा नदी पर है। जमुआ रामगढ़ बांध बाणगंगा नदी के ऊपर स्थित है दोस्त। क्वेश्चन 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसमें राइट। क्वेश्चन नंबर 23, जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? जयपुर जिले के सेवर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? साबी, साबी नदी है वो, जयपुर जिले की सेवर की पहाड़ियों से साबी नदी निकलती है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला उदयपुर है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? इसमें राइट आंसर हो जाएगा केल साइट। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म केल साइट है दोस्तों। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, देश में लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान है? देश में लिग्नाइट की सबसे बड़ी खान है कलाना बीकानेर। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान का किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? राजस्थान का किसके उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है? सरसों का। सरसों उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोड़ बीड़ बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान के किस जिले में भाखड़ा नांगल बांध में सर्वाधिक सिंचाई होती है? हनुमानगढ़ में। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह है? राजस्थान का सबसे निकटतम बंदरगाह कांडला है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, जैन विश्व भारती स्थित है? जैन विश्व भारती स्थित लाडनू में है दोस्तों। जैन विश्व भारती स्थित है लाडनू में। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है? 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला जैसलमेर है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण किसने करवाया? एक खंबा महल के नाम से प्रसिद्ध प्रहरी मीनार का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया था। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण विमल शाह ने करवाया था। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस शहर में नगर निगम नहीं है? निम्न में से किस शहर में नगर निगम नहीं है? अलवर में। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया? नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन में दिया गया? 74वें संविधान संशोधन में नगरीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान ललित कला अकादमी स्थित है? राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, देवड़ा वाटी किस क्षेत्र की उपबोली है? देवड़ा वाटी सिरोही क्षेत्र की उपबोली है। देवड़ा वाटी सिरोही क्षेत्र की उपबोली है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कांकणी एक आभूषण है जो पहना जाता है? कांकणी एक आभूषण है जो पहना जाता है कलाई में। कांकणी आभूषण है वो कलाई में पहना जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, गराशिया जनजाति के किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर बनाए जाने वाले स्मारक क्या कहलाते हैं? गराशिया जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर बनाए जाने वाला स्मारक कहलाता है, क्या कहलाता है? पूरे, पूरे कहते हैं उसे। गराशिया जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर जो स्मारक बनाया जाता है उसे भूरे कहते हैं। ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, सहरिया जनजाति क्षेत्र में गांव का मुख्य क्या कहलाता है? सहरिया जनजाति के क्षेत्र में गांव का मुख्य क्या कहलाता है? कोतवाल कहलाता है। ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, नाथद्वारा चित्र शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः क्या कहा जाता है? नाथद्वारा जो चित्र शैली के पेंटिंग्स हैं उनको सामान्यतः पिछवाई कहा जाता है। ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? नूर मोहम्मद राजपूताने के किस राज्य का प्रमुख चित्रकार था? कोटा का। ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 44 सौकाष्ठमी कब मनाई जाती है, सौकाष्ठमी कब मनाई जाती है, सौकाष्ठमी चैत्र शुक्ल अष्टमी को मनाई जाती है, ऑप्शन बी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, हिंदू पंचांग के अनुसार छोटी तीज का त्यौहार श्रावण के महीने में मनाया जाता है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 तिलवाड़ा का पशु मेला राजस्थान के किस जिले में स्थित, किस जिले में लगता है, तिलवाड़ा का जो पशु मेला है वो राजस्थान के किस जिले में लगता है, बाड़मेर जिले में लगता है, ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 रियासती काल में शासकों द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्या भी भेज दी जाती थी, क्या कहलाती थी, ये कहलाती थी दोस्तों डावरिया, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। रियासती काल में शासकों द्वारा अपनी लड़की की शादी शादी में दहेज के साथ कुंवारी लड़कियां भेज दी जाती थी, ये कहलाती दोस्तों डावरिया, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 प्रमुख विदाई गीत है, प्रमुख विदाई गीत है दोस्तों कोयलड़ी, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा, विदाई गीत है कोयलड़ी, ऑप्शन डी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 हिचकी एक प्रसिद्ध लोकगीत है, ऑप्शन सी इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 रावण हत्या क्या है, रावण हत्या क्या है, एक प्रकार का नृत्य वाद्य यंत्र एक पुस्तक का शीर्षक स्थान का नाम, तो रावण हत्या दोस्तों वाद्य यंत्र है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।